मानसून को देखते हुए आज अनासागर झील के 3 चैनल गेट खोले गए। चैनल गेट खोलने से अनासागर झील का पानी यहाँ सिखानपुरा बंडला इन तालाबों में जाएगा। अनासागर झील की भावसमता अभी 12 फुट 6 इंच पानी है। 3 चैनल गेट खोलने के बाद का पानी 11 फुट रखा जाएगा। 15 दिन ये चैनल गेट खुले रहेंगे जिससे अनासागर का पानी बाहर निकाला जाएगा। मानसून को देखते हुए सिंचाई विभाग ने आज कलेक्टर के आदेश पर 3 चैनल गेट खोलने को चाहिए। अभी अनासागर झील की भराव क्षमता है 13 फीट है, यानी 12 फुट 6 इंच अभी अनासागर झील में पानी है। अभी का जिला स्तर 12 फुट 6 इंच इस वक्त अनासागर झील का जलस्तर है। उसके बाद यहाँ से जो झील का पानी है इसको छोड़ा जाएगा नालों द्वारा। ये पानी होता हुआ खानपुरा के प्रमुख तालाबों में पहुँचेगा। अगली बार इसके देखते हुए इन्होंने इस बार कदम उठाया कि अनासागर झील का पानी खोला जाए। अभी ये चैनल बंद है, कुछ ही समय बाद अधिकारियों के निर्देश पर इसमें से 3 चैनल है उनको खोले जाएंगे। वर्तमान में अभी अनासागर झील के अंदर 12 फुट 6 इंच पानी यहाँ पर है और 3 गेट खोलने के बाद 15 दिन तक ये गेट खुले रहेंगे तो इसका जो पानी है वो निकाला जाएगा और 13 फीट पानी यहाँ पर रखा जाएगा। देख सकते हैं पूरे वीडियो में सिंचाई विभाग द्वारा चैनल गेट को खोलने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चैनल गेट खोले जाएंगे, खुल रहे हैं एक एक करके। चैनल गेट खोलने के बाद यहाँ से जो पानी का स्टाव है वो यहाँ से निकलेगा। एडीएम सिटी सहित सिंचाई विभाग और निगम के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर इनका माला और पूजा अर्चना के साथ इस चैनल गेट को खोला गया है। अभी यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जा रही है उसके बाद फिर चैनल गेट को खोला जाएगा। मैडम नाम ले देखिए, और ये पानी यहाँ से पूरा वीडियो है के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से चैनल गेट खोलने की तैयारी है और ये पानी है यहाँ से निकालने लुका की अब शुरू होने वाली है और कुछ ही क्षण में यहाँ पर ये देखिए आप इस तरह पानी की निकासी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे ये पानी नालों के द्वारा सकते हैं। गलत तरफ 11 फुट तक में है, 15 दिन तक ये चैनल गेट खुले रहेंगे। अभी ये गेट खोले जा चुके हैं, नीचे जा रही है। झील के तीनों चैनल गेटों से यहाँ पर पानी बह रहा है, बहना शुरू हो चुका है और ये उसी क्षण ही नाले से बहता हुआ जा नहीं सकता ना, गीला पूरा आस पास के तालाबों में पहुँचेगा। पहली बारिश कल होने की वजह से देखते हुए लगातार ये प्रयास करा जा रहे थे, बार बरसात भी अच्छी होने की संभावना है और यहाँ पे अभी चैनल गेट अनासागर के आज खुल गए हैं। भाव क्षमता की बात करें तो 13 फीट कुछ इन चीज़ें अनासागर की भाव क्षमता है। उसके बाद में
फिर गेट खोल जाते हैं ताकि निचली बस्तियों में पानी ना भरे। आप देख सकते हैं खाना सब अच्छी देखने के बाद जो पानी शुरू हो चुका है, नाले द्वारा बहरा बहता है, बहना शुरू हुआ है। तो बहता हुआ ये कई नालों द्वारा होता हुआ ये पूरा या आस पास के पूरे तालाब में पहुँचेगा। जी सर, आज 3 चैनल गेट खोले गए हैं, कितने फुट पे खोले गए हैं और क्या रहेगा? अभी 12.4 फुट इसका गेज है, इसको 11 फुट तक लेकर आना है, 28 दिन लगभग ये खुला रहेगा। जी सर, अभी क्या गेज था इसका? 12.4। सर मानसून का देखते हैं कितना रहेगा, ऐसे गेट कितने दिन खुले रहेंगे? 28 दिन। अभी कितने गेट खोले गए? 3। थैंक यू सर। आना सागर के 3 गेट खोले गए हैं, कितने फुट पे पानी था और अब कितना रहना चाहिए? आज आना सागर के 3 गेट खोले गए हैं। आज आना सागर का गेट जो है 12 फुट 4 इंची, इसको हम 11 फुट पे लेके आएंगे। ये 24 दिनों में 3-3 इंची के हिसाब से 3 गेट खोल के पर डे 3.12 MCFT पानी निकाला जा रहा है इसमें से आना सागर में। कितने दिन तक खुला रहेगा और ये पानी कहाँ कहाँ जाता है? ये 3 दिन में 24 दिन तक खुला रहेगा, और बारिश के हिसाब से यदि बारिश होती है तो फिर और बढ़ सकता है टाइम पीरियड। और ये दौराई होते हुए, डुमाड़ा होते हुए गोविंदगढ़ डैम में जाता है भावता होते हुए। आज कौन कौन शामिल रहे सर? आज एडीएम सिटी माननीय एडीएम सिटी कलेक्टर साहब और नगर निगम से आए अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी शामिल। गुड नेम सर, सत्येंद्र कुमार मीना।